और मुकद्दर एक ऐसी फिल्म है कि अद्भुत है वो, कहीं ना कहीं एक कलाकार की ज़िंदगी में क्या होती है, एक कलाकार अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है। स्टार्डम हर आदमी को मिलता है, लेकिन स्टार्डम के साथ जीना बड़ा कठिन होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। वही कहानी है एक मुकद्दर की। मुकद्दर ने दिया तो बहुत कुछ, लेकिन मिलने के बाद जो स्थितियाँ होती है, आदमी सुकून से रह नहीं पाता है, अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकता। और आप ही की नज़र में नहीं, आपके हर परिवार की नज़र में भी लगता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो चीज़ें होती है। तो एक स्टार की ज़िंदगी क्या होती है, अगर ये जानना है तो इस मूवी को देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्टार की ज़िंदगी। तो फिल्मों में काम करने से पहले भी एल्बम में काफ़ी आप मशहूर हो चुके थे, तो क्या कहना चाहेंगे, जो दौर रहा है आपका स्टारडम को मतलब हासिल करने का, क्या खोया क्या पाया आपने अपनी ज़िंदगी में स्टारडम की बात करें तो? देखिए, मैंने खोया तो अपने दोस्तों को खोया है, अपने माँ बाप को खोया, अपने घर परिवार को खोया है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत मुझे पब्लिक से मिली है, तभी मैं आज इस जगह पर हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। वो चीज़ें याद तो आती है, बचपन की हरकत शरारत जो दोस्तों के साथ आदमी करता है, अपने माँ के हक का खाना खाना, वो अब नसीब नहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो फैमिली वाली चीज़ें हैं, माँ बाप अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है इस काम के लिए, तो है, लेकिन एक परिवार हो गया है हमारा फिल्म दुनिया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार है। और आज आदमी जीता है तो बस सिनेमा के लिए जीता है, अपने काम के लिए जीता है, बाकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रह गई। बस मकसद यही है कि मैं अपने पब्लिक को मनोरंजन कराने में सक्षम रहूँ, और जब तक जीऊँ तब तक अपने पब्लिक के लिए। सर, ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में कितना ज़्यादा मतलब कंपटीशन होता है, एक साथ दो तीन फिल्म रिलीज हो जाती है, भोजपुरी में भी ऐसा हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये कितना जो बिज़नेस है उस पर अफेक्ट करता है, और ये सही है या नहीं सही है आपके समझते? ये बिल्कुल गलत है। हमारे कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर टाइम देंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, और हम अपने चीज़ों को टाइम नहीं देंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाए। और ये जो पैसे लगा रहे हैं जो हमारे प्रोड्यूसर लोग, उनको ये बात को समझनी चाहिए कि अब एक फिल्म को लेके स्टार बैठे तो नहीं जाएगा, था उसको काम करना है। यदि उनको ये ऊपर नीचे डेट कर करके और एक दूसरे से लड़ जाना भी जाना, इसमें बिजनेस का इफेक्ट होता है कि हमारी पब्लिक कितना, एक दिन अगर एक ही स्टार की दो फिल्में लगेगी तो कहाँ जाएगी, चीज़ें बढ़ती। और जिसको बिजनेस करना है, पब्लिक के दिल में एक स्टार की जो छवि होती है वो बहुत बड़ी होती है, और अपनी मोहब्बत होती है उनकी हमारे प्रति, तो ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसरों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम अगर सिनेमा बनाएँ ऐसा कर सकें तो हम ऐसा करें ताकि सबका भला हो, सबका विकास हो। हर आदमी को ये अनुभव होता है कि नहीं मेरी चीज़ें बड़ी हो, रिलीज होने के बाद समझ में आता है कि बड़ी क्या है। और लास्टली ये पूछना चाहूँगा, आपका और जॉन पाल जी का एक गाना है 10 करोड़ व्यूज पर, बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ मेरा क्या? नहीं है, नहीं है? मेरा नहीं है। अभी मैंने किया है अच्छा पाली जी के साथ पार्क के पब्लिक का प्यार है हमारा जी, बस नहीं है पब्लिक का मोहब्बत है, और पब्लिक चीज़ों को अगर पसंद करती है तो मुझे खुशी होती है कि हमने अच्छा काम किया है। तो बस हम काम करते जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है बस ईश्वर और अपने। भैया, आपका गाना और सच के सवर के बहुत हिट जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, वो गाना हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मैं शमीम भाई से बोला भी था, वसीम भाई से भी बोला था, हम अपने पूरे टीम से बोले थे इस गाने को कोई रोक नहीं सकता। अब ऐसा ही हुआ क्योंकि उस गाने पे काफ़ी उसकी धुन, उसकी लिरिक्स जो भी थी, मुक्कर जी ने बड़ा अच्छा कंपोजिशन किया था, और आज़ाद सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है उसको, और संजय कुर्मा जी ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है, काजल जी ने अच्छा डांस किया है, सबसे बड़ी एम है वसीम भाई जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, उन्होंने पहला ऐसा कोई प्रोड्यूसर मुझे मिले जो कि हर जगह जैसे हम लोगों ने चाहा वैसे उन फ्रीडम उन्होंने दी, और अच्छा फिल्म बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, अच्छे मेकर हैं वो, और अच्छे मेकर से बहुत कई गुना ज़्यादा अच्छे इंसान हैं,
तो देखिए जब इंसान अच्छा मिलता है आपको तो मैकिंग कमज़ोर भी होती है ना, तो वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ अपने दिल से जुड़ जाता है, तो जहाँ दिल की बातें होती है वहाँ हर वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो वसीम भाई कहीं ना कहीं दिल से बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे हैं जी। भैया बात कीजिए, जैसे रातें दिया उठा के 7 महीने में 10 करोड़, लेकिन ये 1.5 महीने में इतना ज़्यादा व्यूवर भाग रहा है कि लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? चलिए तो अच्छी बात है कि हमारी भोजपुरी के गाने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और सबकी एक रिकॉर्ड बन रही है, तो हमारे लिए, हम भोजपुरी के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है जब हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, और हर आदमी अपने भाषा के लिए मरता है, तो हमारे भोजपुरी के ऑडियंस भी अगर अपने भाषा के लिए उस गाने को डेली देख रही है, मुझे लगता है कि डेली 10 से 12 लाख लोग उसको देख रहे हैं। मुकद्दर के लिए संजय निरूपम का भी समर्थन आपको मिला था, क्या कहना चाहेंगे? संजय निरूपम जो कांग्रेस हैं जी, अच्छा, बहुत ज़ोरदार समर्थन उन्होंने काजल राघवानी और खेसारी लाल जी को दिया था, और फिल्म देखने का आग्रह भी भोजपुरी समाज से किया था। ये उनका हक है, इसलिए हक है क्योंकि यूपी से हैं, यूपी बिहार से हैं, भोजपुरी भाषा से हैं, तो अगर एक अभिनेता को एक नेता जब प्रमोट करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखिए एक पब्लिक दो ही लोगों से जुड़ती है, एक नेता और एक अभिनेता, जिनके दिल के करीब होती है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि संजय निरूपम जी ने इतनी बड़ी बात हमारे सिनेमा के लिए बोला, तो अगर सब लोग ऐसे करेंगे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा आज हिंदी के बाद कहीं ना कहीं भोजपुरी ही है, ये 7 करोड़ 10 करोड़ व्यूवर्स जाते हैं इसके, तो यहाँ तक कि मुझे लगता है कि 20-20 करोड़ तक व्यूवर्स हमारे गाने के हुए, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए अच्छी संकेत है कि एक नेता होकर भी हमारे भोजपुरी को प्रमोट होकर रहे, जबकि वो इनका फील्ड नहीं है, ये मनोरंजन का फील्ड है, इनका विकास का फील्ड है, तो हर क्षेत्र में मनोरंजन भी एक विकास के तौर पे ही है कि हमारी जब सिनेमा लगती है तो बहुत सारे रेड़ी पटरी वाले हमारे भाई लोग जो हैं उनका बिजनेस चलता है, जो दुकानदार हैं उनका बिजनेस चलता है, चिप्स बेचने वाले, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले, चाय बेचने वाले, तो है कहीं ना कहीं विकास है इसमें। तो अगर संजय निरूपम जी ने इतनी बात बोली है तो मैं उनके तहे दिल से अपने मुकद्दर की पूरी टीम की तरफ से दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी लंबी उम्र के लिए, कैसे ही संजय जी बस लंबी उम्र ले रहे हैं ताकि हम लोग उनके ऐसे ही कोई भी अच्छी फिल्म बनाए तो उनके सपोर्ट में और उनका प्यार दुला दें। भैया बात करें मुकद्दर की, तो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा पसंद के, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे यहाँ हो, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की पहली पसंद बन चुकी है मुकद्दर। हाँ तो देखिए सबसे बड़ी, जब भी अच्छी कोई फिल्म बनती है तो हमारे महिलाएँ आती हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि महिलाएँ बंद हो गई सिनेमाघर में आना, आप अच्छी चीज़ें बनाएंगे, हमारे कहने का मतलब कि जब हम अच्छी चीज़ नहीं बनाएंगे तो हम किसी से आशा कैसे रख सकते हैं जो हमारे लिए कोई है, जब अच्छी चीज़ नहीं बनेगी तो आप आशा नहीं रख सकते। हम अपने घर में जब बुरे काम करके दुश्मन बन जाते हैं तो बुरे काम करके हम दुनिया के नज़र में कैसे अच्छे बन सकते हैं, तो ये है दुनिया और दुनिया को अच्छे की फ़र्क है, और हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे मुकद्दर के लिए इतनी सारी महिलाएँ आ रही हैं, तो ये शुभ संकेत है। बहुत कम ऐसे फिल्मों में महिलाएं आती हैं, तो मुकद्दर एक कंप्लीट मूवी है, और वसीम भाई का एक सब एक उन्होंने बात बोली थी कि भाई मुझे सिनेमा बनाना है, मेरी सिनेमा हिट होगी फर्क होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बलग्रती को साबित नहीं करूंगा जहां बलग्रती ही सिनेमा को चलाती है, तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी बातें सोची और एक सिनेमा कम्प्लीट बनाया जिसमें कोई शॉर्ट कपड़े हम लोगों ने किसी को नहीं दिया, हमने जितनी भी साड़ी लहंगा यही यूज किया है और कोई ऐसी चीज़ें नहीं की है जो हमारे महिलाओं को दिल के ठीक पहुँचाए, तो महिलाएं आज आ रही हैं तो ये शुभ संकेत, और हम कोशिश करेंगे जब ऐसे फिल्मों को जब बढ़ावा दुनिया देगी तो हम कोशिश करेंगे जब ऐसा ही मूवी बनाए जिससे हमारी पब्लिक हमसे जुड़े। समीम जी के साथ कैसी केमिस्ट्री रही है आपकी मुकद्दर में, और एक बार फिर कब देखेंगे हम लोग? स्वीट आदमी है ये, जब भी इनसे दुख में भी रहते हैं तो हंसते हैं, सुख में तो हंसना ही पड़ता है, तो ये स्वीट आदमी है, और एक कलाकार होता है ना कि देखिए समीम भाई एक ऐसे हीरो हैं लेकिन इस फिल्म के बहुत बड़े पार्ट ही है, तो ये इर्द गिर्द कहानी एक कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात होती है, तो समीम भाई जो हैं उनके साथ जब मैं काम कर रहा था तो जबकि मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मेरे से बहुत पहले फिल्में की हुई, बहुत इनका एक अपना रुतबा है, अपनी पहचान है इनकी, खेसारी की पहचान अपनी है, तो हम लोग जब भी करते थे तो इनका बड़प्पन में देखा कि जब बोलते कि भाई कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए, भाई कैसे किया जाए, तो एक फैमिली रिलेशन की तरह इन लोगों से रिश्ता है मेरा,
इस फैमिली से सिर्फ मैं यही दो भाइयों से नहीं जुड़ा हूँ, मैं माँ से भी मिला हूँ। इनकी इनकी और इनकी नहीं, वो मेरी भी माँ है। तो माँ इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट कि उन्होंने वो सूट पे आई थी, तबीयत ख़राब था, फिर भी वो हम लोग को आशीर्वाद देना नहीं भूलती थी। तो देखिए, जब जो माँ इतनी खूबसूरत हो, उनके विचार इतने खूबसूरत हो, तो जाहिर सी बात है उनके औलाद कभी बुरे नहीं हो सकते और कोई काम बुरा नहीं कर सकते। तो उस माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों पे, जो कि हम मुकद्दर अपनी मुकद्दर में कामयाब हुए और हमारी मुकद्दर आज पब्लिक को पसंद आ रही है।